वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड यू आर एंजॉयिंग योर एग्जाम प्रिपरेशंस। द सेशन इज स्पेशली फोकस्ड ऑन क्लास 8। तो क्लास 8 का जो इंग्लिश है उसके कुछ मॉडल सेट पेपर्स जो है वो एग्जैक्टली मैंने आपको बताए थे, आपसे प्रॉमिस करा था। तो उसी सिलसिले का आज सेट पेपर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी एक पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और कल दिन में हम कोशिश करेंगे कि आज जो आपका बुक के कुछ पेंडिंग चैप्टर्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएं। चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कोई टाइम जाया किए। आपको बताया आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर्स और आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है इस असेसमेंट का वो है 50 मार्क्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन एज यूजुअल आपके रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन मार्क्स 15 मार्क्स आते हैं। बहुत आसान है ये करने, ठीक है, बस कॉन्फिडेंट रहना है। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। यानी कि आपको पोएम पढ़नी है, अच्छे से आंसर्स ये लाइन्स पढ़ने हैं और उसके बाद इसके आंसर्स जो है वो आपको देने हैं। देखिए, यू पोज टू बी द पिलर ऑफ द रिलीजन एंड धर्मा विदाउट केयरिंग द लीस्ट फॉर ईदर, सीइंग योर शेमफुल डीड्स ह्यूमैनिटी हैज फॉलन इनटू अ लैम्प, नाउ शुड मैनकाइंड एवर ओन एंड प्रोफेस अ रिलीजन एंड फेथ व्हिच प्रिवेंट्स। सबसे पहले ये पोएम जो है आपके पास एग्जैक्टली लिखी हुई है और इंपॉर्टेंट पोएम है मेरे ख्याल से और ये आनी भी चाहिए एग्जाम में। अब क्वेश्चन है, मैन हैज रिनेम्ड हिज मिसचीफ एज रिलीजन एंड पैट्रियटिज्म फेथ केयरिंग नन ऑफ द अबव, डैश डैश ऑफ द मैन हेल्प्ड हिम शेयर हिज सारोस फ्रेंड्स एंड मेल्स, उसके बाद फर्ट्स एंड देन नन ऑफ द अबव। अब देखिए इस सारी पोएम के अंदर अगर आप ध्यान रखेंगे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड, द पोएम इज अ डैश डैश प्रेज ऑफ मैनकाइंड वेक अप कॉल ह्यूमरस नन ऑफ द अबव, व्हाई इज द मैन कॉल्ड ब्लड थर्स्टी। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, व्हाई डज द ह्यूमैनिटी फील ह्यूमिलेटेड। तो पहला जो है, पहले में आपका ऑप्शन आएगा रिलीजन एंड पैट्रियटिज्म, जो कि आपका क्वेश्चन था, मैन हैज रिनेम्ड मिसचीफ्स एज रिलीजन एंड पैट्रियटिज्म, ये आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, उसके बाद दूसरे में आएगा फ्रेंड्स एंड मेल्स के साथ ही वो अपनी शेयर करता है। पोएम एक वेकअप कॉल है अपने आप को सुधारने के लिए। ठीक है, उसके बाद मेन को क्यों ब्लड थ्रस्टी कहा गया, आजकल आप देख रहे हैं आजकल के दौर में इंसान कर ही क्या रहा है, सिर्फ खून की होलियां ही तो खेल रहे, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे, कभी किसी और क्रीड या किसी सेक्स के नाम पे। तो दीज आर बेसिकली द थिंग्स जिसकी वजह से इंसान को क्या कहा गया है कि तुम थ्रस्टी हो, यानी कि ब्लड थ्रस्टी हो, खून के प्यासे जिसे हम कहेंगे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो था, 5वां क्वेश्चन क्या था, व्हाई डज ह्यूमैनिटी फील ह्यूमिलेटेड, यानी कि इंसानियत क्यों शर्मसार है एक इंसान के करतूतों पे या उसके काम पे, ह्यूमैनिटी फील्स ह्यूमिलेटेड आफ्टर सीइंग आवर शेमफुल डीड्स। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके पास आता है दूसरे क्वेश्चन में एक पैसेज, बहुत सिंपल पैसेज, क्वेश्चन आंसर इसी पैसेज में से आपके निकलते हैं। गेजिंग अप एट द नाइट स्काई यंग टिमी मार्वल्ड एट द काउंटलेस स्टार्स दैट ग्लिटर्ड लाइक टाइनी डायमंड्स, हिज फैसिनेशन विद स्पेस हैड बिगन। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, बहुत बड़ा लंबा सारा पैसेज आप देख सकते हैं। उसके बाद है, व्हाट स्पार्क्ड टिमीज फैसिनेशन विद स्पेस। तो इस तरह से अगर इसकी आंसर, ए बुक अबाउट एस्ट्रोनॉट्स जिसके बारे में वो पढ़ता है, इस पूरे सेंटेंस को मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप ध्यान रखिएगा। मैंने क्वेश्चन भी आंसर भी साथ में रखे ताकि आपकी प्रिपरेशन भी साथ में हो जाए। What did Timmy's parents gift him leading to his backyard becoming an observer? तो एक टेलीस्कोप था जो उसे दिया जाता है। What did Timmy's journey to the stars teach him according to the passage? Basically, perseverance, patience and the joy of discovery, ये इसे बताती है। What was Timmy's favorite discovery while using his telescope? Timmy's favorite discovery was spotting the red glow of Mars. ये उसकी important इन्वेंशन जिसे हम कहें फाइंडिंग थी। ठीक है, उसके बाद हाउ डिड टिमीज पेरेंट्स सपोर्ट हिज इंटरेस्ट इन स्पेस, टिमीज पेरेंट्स सपोर्टेड हिज इंटरेस्ट बाय सरप्राइजिंग हिम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप एंड अरेंजिंग विजिट टू द लोकल प्लैनेटोरियम। तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद 3रा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिक्चर बेस्ड आता है। देखिए आप इस पिक्चर को भी देख के कह सकते हैं रोड सेफ्टी के बारे में, डू नॉट रेस, मेंटेन स्पेस, ऑलवेज स्पीड लिमिट्स दिखाया जाता है, ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, स्टे अलाइव, Do not drive and drink. तो ये सारी चीजें हैं। What is the purpose of this advertisement? To prevent people from using motor vehicle? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
to prevent, to spread awareness about traffic rules, to stop people from walking on the road, to secure people off the road incidents. ठीक है, तो इसमें क्या है, ताकि ये एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस के लिए है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा. While on the scooter, on the bike, which thing can help to save our lives? A scarf, helmet, cap, seat belt. देखिए स्कूटर पे तो सीट बेल्ट काम आएगी नहीं, स्कार्फ और कैप का कोई काम ही नहीं होता, हेलमेट क्योंकि प्रोटेक्टिव होता है, सर को बचा सकता है. जेब्रा क्रॉसिंग इज मेंट फॉर, किसके लिए होती है, पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती है. वन शुड स्टॉप द व्हीकल व्हेन इट इज रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, नन ऑफ द अबो. तो याद रखना, स्टॉपिंग के लिए रेड लाइट होती है, टू गो ग्रीन, और जो आपकी येलो कलर की लाइट होती है वो पास के लिए होती है. ठीक है, उसके बाद रोड एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किससे, ड्राइविंग विद इन अ स्पीड लिमिट, क्या हमें एक स्पीड लिमिट के साथ चलना चाहिए, तो परफेक्ट है. नॉट ड्राइविंग वाइल ड्रिंकिंग, ठीक है, जब पी रहे हो तब ड्राइव नहीं करना है, ठीक है, और जब ड्राइव कर रहे हो तब पीना नहीं है, बात तो एक ही हो गई. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए अच्छे से. ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स ओबे करना चाहिए, माइनर्स को स्कूटीज वगैरह नहीं चलानी चाहिए, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे. उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन बी, प्यारा सा सेक्शन बी आ जाता है, ग्रामर पार्ट, बहुत सिंपल ग्रामर पूछा जाता है. इतना ज्यादा अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जाओगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ने जाओगे तो कंफ्यूजिंग है. शॉर्ट में ट्रिक्स को याद रखो और चीजें करो. कंप्लीट द पैसेज बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, एप्रोप्रिएट इन द गिवन वर्ड्स. इट्स राइटली सेड दैट अ डैश डैश बिजी पर्सन इज डैश डैश हैप्पीएस्ट वन, ठीक है. तो सबसे पहले द बिजीएस्ट पर्सन इज द हैप्पीएस्ट वन ऑलवेज, जो अपने काम में मशहूल है. किसी से क्या लेना देना भाई, अपने काम में लगे रहो, ठीक है, इससे कुछ करना है ही नहीं, अपने काम में मस्त रहो और हर एक की मदद करते रहो, यही लाइफ का असूल होना चाहिए. और आगे बढ़ते रहो, किसी के लिए नियत बुरी रखना, हमेशा आगे बढ़ते रहो और आगे की सोचते रहो और हर एक को अपने साथ चलाते रहो. एवरीबॉडी नोज दैट डैश डैश शर्क कैन नॉट डू एनीथिंग, सो ही कैन नॉट मेक डैश डैश मेक एनी फील्ड. तो सबसे पहले हम ये कहेंगे नोज दैट अ शर्क कैन नॉट डू एनीथिंग, सो ही कैन नॉट मेक अ डैश डैश मार्क, सो ही कैन नॉट मेक एनी मार्क्स या एनी मार्क इन एनी फील्ड, या एनी भी आ सकता है, ए भी लगाया हुआ है. यहाँ देखिए वॉवल का यूज किया गया है पहले, तो एन लगाना बहुत सिंपल है, तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल है. उसके बाद आपको पैसेज है कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि डायरेक्ट में दे रखी है और इनडायरेक्ट में आपको चेंज करनी है. आफ्टर सरप्राइज पार्टी मैरी टू हर फ्रेंड्स, आई हैड नो आइडिया यू आर प्लानिंग दिस, मेरी कह रही है अपने दोस्तों से, लेकिन उसी के वर्ड है कोडेड किए गए, तो डायरेक्ट स्पीच हो गई. हर फ्रेंड्स लाफ्ड एंड आस्क्ड डिड यू लाइक द सरप्राइज, कि आपने सरप्राइज को पसंद किया. अब देखिए आफ्टर द सरप्राइज पार्टी मेरी इन्फॉर्म्ड हर फ्रेंड्स दैट शी हैड नो आइडिया दैट दे वर प्लानिंग द पार्टी. सिंपल, हर फ्रेंड्स लाफ्ड एंड आस्क्ड इफ शी हैड लाइक्ड द सरप्राइज. बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को कोई अच्छी सी वीडियो यूट्यूब की देख लो, ठीक है. हमारी चैनल पे ऑलरेडी कन्वर्जन पढ़ाया हुआ है क्लास 10th के लिए, अगर वहां पे भी आप जाते हैं, लेवल थोड़ा सा आप है लेकिन आपको समझ तो आ ही जाएगा, वो सारा ग्रामर का पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. द फॉलोइंग पैसेज हैव नॉट बीन एडिटेड, एडिटेड का मतलब होता है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, आपको बतानी है वो गड़ कहाँ पे है. देखिए द बैंड एड वॉज इन्वेंट इन न्यू जर्सी, क्योंकि किसी पास्ट इवेंट की बात की जा रही है तो इन्वेंट नहीं आएगा, इन्वेंटेड आएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है. उसके बाद Josie Dickinson was fretted as his wife Joseph cut herself again. तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, fretted is perfect, ठीक है, इसमें कोई change नहीं है. As his wife Josephine, अगर हम ध्यान रखेंगे, cut herself again and again on working in the kitchen one day while was wrapping his wound once again on a bulky bandage of gauze and tape, he was struck by an idea. देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, दिस इज परफेक्टली, गो ऑन, यहाँ पे ऑन वर्किंग है तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं. दूसरी चीज है किचन वन डे वाइल वाज रैपिंग हिज वाउंड वंस अगेन ऑन अ बल्की बंडेज ऑफ गॉज एंड टैप. देखिए इन्वेंटेड, फ्रेटफिल, यहाँ पे फ्रेट की जगह फ्रेटफिल आएगा, इस चीज को ध्यान रखिए. वाइल, ठीक है, जोसेफ ऑन हर सिल्फ अगेन एंड अगेन, वाइल ऑन वर्किंग नहीं, वाइल वर्किंग. उसके बाद यहाँ पे हिज की जगह हर, क्योंकि लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इन चीजों का ध्यान रखोगे. ही पुट सम, तो यहाँ पे ही सुपर गॉज एंड स्ट्रिप ऑफ द मेडिकल टैप एंड द बैंड एड वाज बॉर्न, तो यहाँ ही का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है. तो इसमें आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि ये ही जो है ये उसके हस्बैंड के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं करोगे, एन का इस्तेमाल करोगे एंड स्ट्रिप ऑफ द मेडिकल टेप, ठीक है. तो इन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है.
सेकंड स्पेल्स में फिर से मैंने आप कहा कि आपको वहीं से देखो, सपोज समबडी हैज स्टोलन योर 100 रुपीस फ्रॉम द बुक, आपकी बुक से 100 रुपीस चोरी कर लिए गए हैं स्कूल के अंदर, ऐसा होता है भाई। गिवन बिलो इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर प्रिंसिपल, कंप्लीट डायलॉग इन एनी अदर सूटेबल वे। आपको पता है राम ने कहा डैश डैश इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस, तो आप लिखोगे व्हेन इलेक्शन वाज टेकिंग प्लेस फॉर दिस हेड बॉय और हेड श्याम ऑन मंडे, देयर राम ने क्या कहा श्याम, उसके बाद ऑन मंडे राम, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट हु डैश डैश विल बी इलेक्टेड। तो ये सारी चीजें उनके बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं क्लियर, व्हेन इज द, अब देखो आपस में बात हो रही है कि कब कंप्लीट किया जा रहा है, व्हेन इज द इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस, कब होने जा रहा है। तो इस तरह से आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बात जो है रख सकते हैं, दिस इज अ वेरी इजी थिंग। लेकिन आपको इंग्लिश कम से कम खुद से करनी आनी चाहिए, ताकि आप इसे अच्छे से करें। रीड द बिलो आउटलाइन, डेवलप अ स्टोरी ऑफ योर ओन। देखिए एक आउटलाइन आपको दे रखी है यहाँ, ठीक है। A van stage was thirsty, dashed and reached at a pool, saw his own reflection, glad to see his horses, hated his thin and ugly legs. Then hounds ran after him, stag ran for life, his legs carried him out of the danger, but his harness got stuck in bush, provided to be the cause of his death. The van stage, there was actually a stage, जिसे हम कहते हैं। तो ये आप इस तरह से इसके अकॉर्डिंगली अपनी कहानी जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। आपको इन वर्ड्स का हिंट लेना पड़ेगा, या मैंने आपको कल भी बताया था, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जो आ सकती हैं। देखिए एक ग्रीडी डॉग है, ग्रीडी डॉग की पिक्चर इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है यूनियन स्ट्रेंथ, जिसमें बाप और बेटे का वो गट्ठे वाला, उर्दू में जो मैंने बताया था वो वाला, वो भी आप लिख सकते हैं यूनियन स्ट्रेंथ जो है, ठीक है। उसके बाद ये दो हो गई, ठीक है, ये याद रखोगे। और उसके बाद एक और थी जो क्लेवर गोट्स के बारे में ऑलरेडी हमारे मॉडल पेपर के अंदर दे रखी है, तो कितनी हो गई, 3 फिलहाल हो गई। दो सेट पेपर में और बताऊंगा, वहां पे आप कुछ चीजें, और हाँ उसमें है कछुए और खरगोश की रेस, टोटराइज और उसके बीच का जो रेस है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है, स्टोरी जो है बनाई जा सकती है। तो इन चीजों का आप ध्यान अच्छे से रखेंगे, बहुत सिंपल। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली इसे कंप्लीट कर रखा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। कैसर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू बाय वंदे भारत एक्सप्रेस एट 12:40 PM। ही कॉन्टेक्ट्स हिज फ्रेंड माधव फॉर रिसीविंग हिम एट जम्मू रेलवे स्टेशन, ठीक है, एंड टेक हिम इन हिज अ कार फॉर अ मीटिंग इन तवी रिजॉर्ट्स जम्मू। माधव'स वाइफ सुजाता टेक्स द कॉल एंड गिव्स द मैसेज टू माधव'स, माधव राइट हियर मैसेज। मैसेज क्या है, अब ध्यान रखिएगा। ऑन 8 November माधव लिख रहा है मैसेज ऊपर सेंटर में, टाइमिंग लिखोगे कैसर कॉल्ड अप टू स्टे दैट ही इज रीचिंग जम्मू टुडे बाय वंदे भारत, ऐसा उसने कहा, एक्सप्रेस एट 12:40 PM, यू शुड गो एंड रिसीव हिम एंड टेक हिम टू योर कार टू तवी रिजॉर्ट्स फॉर अ मीटिंग। सुजाता ने इसे मैसेज कर दिया, बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। Our your family is inviting all near and dears, including the family friends, on a special occasion. ठीक है, एक special occasion के लिए बुलाया जा रहा है। Email लिखनी है, email का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो राकेश CC BCC लिख भी सकते हो, important भी। अगर नहीं लिखना चाहो तो general format में जरूरी नहीं होते हैं। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, अगर एक mail को 2-3 लोगों को भेजना चाहिए तो CC BC में वो आप डाल सकते हो उन दूसरे लोगों को। यानी कि अगर सेम यही इन्फॉर्मेशन मुझे दो और लोगों को बतानी है तो मैं उनके लिए CC BC का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर फ्रॉम होता है इनविटेशन फॉर द मैरिज, डियर राकेश, उसके बाद इनविटेशन आप लिख सकते हैं, और उसके बाद यूर लविंग रोशन एंड ऑल दैट, ठीक है, हो गया ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लेटर लिखनी है, और लेटर फॉर्मल का मैंने आपको आइडिया बता दिया था, तो आप यहां से देख भी सकते हैं इसे, ठीक है। ये लेटर है आपके पास, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये है तरीका इसे लिखने का, ठीक है। ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि तुम लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है, आपके पास जितना मटेरियल पहुंच रहा है आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे से हो जाएं। रिपोर्ट है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिचुएशंस, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हमारे पास दे रखे, और उन पे हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स जो है पूछे गए हैं, तो ये आपके रिपोर्ट्स रहे, ठीक है। रिपोर्ट्स किसके, फेयरवेल फंक्शन मैंने आपको कल बताया था, बाय XYZ, यानी कि किसने इसको एडिट किया है और कब है, तो वो आप चीजें लिख सकते हो रिपोर्ट की। दूसरा एक और रिपोर्ट है, ब्रेवरी नोज ऑफ नो एज बाय अंटर, क्या है, अतनार, ठीक है। तो ये इसने रिपोर्ट लिखी है, आपके पास सिचुएशन वहीं से दे रखे। और इसमें सेक्शन बी में जो पोएट्री है, ध्यान रखिएगा बहुत पोएट्री से अच्छे से। ये कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने कल से बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिए आपके पास। देखिए अगर आपने टीचर ने लिखाए हैं तो इन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है,
आप बेस्ट वे से वहीं से आंसर जो अपने पूरे साल याद किए वो कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए आंसर है जो ले सकते हैं जिन बेचारों ने अभी तक कॉपी नहीं बनाई, या कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो हम उन चीजों के लिए कर रहे हैं कि ताकि वो भी इन चीजों का फायदा ले सके। तो ये आपके प्रोज और पॉइम सेक्शन में से क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, ठीक है। तो ये प्लीज मेक श्योर कि आप इन्हें अच्छे से करके अपने एग्जाम में जाते हैं। तो ये हो गया आपका एक और सेट आपके लिए जो कि आपको बहुत सारा फायदा जो है एग्जाम में इंशाल्लाह देगा। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके लास्ट के क्वेश्चंस प्ले और शॉर्ट स्टोरी में से पूछे जा सकते हैं, तो उनके क्वेश्चंस अच्छे से याद करो और उनके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, स्टोरीज को समझो, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डिफिकल्टी ना हो। मिलते हैं एक और सेट में और समझाते हैं कुछ और गेस्ट। सेक्शन है आपका फिर से 15 मार्क्स का, कोई नई कहानी तो है नहीं। तो पहला आपका आएगा पोएम से, वन रिंकल ऑफ द टाइम व्हेन योर फादर अप्रूव्ड यू फ्रॉम द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस टू प्लांट यू। उसके बाद इन द कोर्टयार्ड ऑफ द अदर्स वन रिंकल, ये रिंकल्स पोएम जो है उसमें से लिया गया है। सबसे पहले इज डैश डैश द पोएट ऑफ द ओरिजिनल पोएम जूरियन, ठीक है। डैश डैश इज द पोएट ऑफ द ओरिजिनल पोएम जूरियन, उसका नाम है, ठीक है। तो कौन सा है, शिवनाथ है, अरविंद है, पद्मा सचदेव है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो जब देख रहे हैं आप उससे पहले ही आप गेस करो कि कौन सा इसका आंसर आएगा। द एबो लाइंस आर कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया, शेक्सपियर, अल्फर्ड, अरविंद, ठीक है। तो ये सारी देखो, ध्यान रखना यहाँ पर, अगर आप बहुत चालाक है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहीं पहले और दो से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप वो कैसे निकाल सकते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर इन क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम, किससे निकाली गई है, रिंकल से। पोएम का दो एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, पोएम का नाम, नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएम, बच्चों सब लोग अभी अभी याद कर लो, एक पेपर पे लिख लो नेम ऑफ द पोएम और इसका पॉइंट बाय याद कर लो, किसने लिखी है और पोएम का नाम क्या है, ये आपके कुछ मार्क्स आपको और क्लियर करवा देगा। दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम रिंकल्स, ऑब्वियसली है। तो उसके बाद अगर इसके हम डायरेक्टली अब आंसर्स की बात करते हैं, तो देखिए आंसर्स में आपको क्या क्या चीजें आएंगी ये आपको पता होना चाहिए। पहले शिवानंद, उसके बाद सी अरविंद, एंड देन आप इनके एग्जैक्ट आंसर्स जो है आपकी बुक के हिसाब से भी लिख सकते हो जो आपकी बुक में होंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखना। और उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, व्हाट डज द अनदर रिंकल रिप्रेजेंट इन द एबो लाइंस, अनदर रिंकल का क्या मतलब है इस पोएम में। द अनदर रिंकल रिप्रेजेंट्स द लव एंड द अफेक्शन दैट द मदर गेव टू हर सन when he sucked from her breast, ठीक है। उसके बाद फिर से पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ को पढ़ते हुए आप इसकी सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप कल मुझे कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा था कि सर हिस्टोग्राम, पैरेललोग्राम, इन सारी चीजों का इसमें क्या काम, तो देखिए आपके पास एग्जैक्टली एक जिसे हम कहें एक बारग्राफ बना के है, और इस बारग्राफ में क्या चीजें दे रखी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड 2015-16 में रुपीज ये दिखाए गए हैं। इफ गंगा थ्राइव्स का एक चैट आपको बना के दिया गया है, डैश डैश ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियर रिवर गंगा, तो आप इसके हिसाब से इसके आंसर्स जो है वो चुन सकते हैं कितने परसेंट है। तो यहाँ पे इसमें ये सारी चीजें देखिए परसेंटेज की, कहाँ पे अबाउट ऑलमोस्ट 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियर गंगनेटिक प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये इसमें पहले आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो आपको इजिली क्लिक हो जाता है आंसर। उसके बाद गंगा इज द डैश मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड, द गंगा इज द डैश डैश लार्जेस्ट रिवर, इसका आप क्वेश्चन भी आंसर्स भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसकी सेंसस जो है ये आपको उस लेवल से नहीं देखना है, हिस्ट्री के लेवल से आपको अपने पैराग्राफ के रिलेटेड इसके आंसर्स समझाने की कोशिश करनी है, तो ये समझ लेना बात को अच्छे से। इन विच ईयर वॉज द रिवर गंगा cleaned the maximum, ठीक है, तो 1718 में। उसके बाद ₹1747 crores were spent on cleaning Ganga in which state, तो किस स्टेट में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये किया गया था। सेक्शन बी फिर से आपका वही कंप्लीटिंग द बॉक्स है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है, सेंस पहले में सेंस लगेगा। देन 6 PM आई वॉन्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन दैट डैश डैश यू गो आउट, दैट बिफोर यू गो आउट टू द स्टेशन दैट दैट फॉर सम डेज you must take up your admission form dash dash for admission card from the principal office and get yourself enlisted, तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसका एक्चुअल में हमने क्या कर रखा है कि पैसेज को आपको डायरेक्ट में दिया गया है, कुछ इनडायरेक्ट में दे सकते हैं, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इन चीजों को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, नाउ मूविंग अहेड हियर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एडिट इन टर्म्स ऑफ
टेंसेस पंक्चुएशन एंड अप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स, ठीक है। तो आपको ये एक्चुअली एडिट करना है। देखिए, दे वर बोथ व्हाट वी कॉमन कॉल्ड सक्सेसफुली बिजनेसमैन विद वेल फेड, यानी कि सक्सेसफुल जिसे हम कहते हैं, सक्सेसफुली की जगह सक्सेसफुल लगेगा, कॉमन की जगह कॉमनली लगेगा, और इस तरह से आप इन चीजों का चेंज जो है कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो अब उसके बाद राइटिंग स्किल्स आता है। राइटिंग स्किल्स में फिर से एक डायलॉग राइटिंग है। डायलॉग राइटिंग मैंने आपको बता दिया था, डायलॉग का बेसिक थीम आपको समझना है। देखिए, जैसे सपोज समबडी हैज स्टोलन योर 100 रुपीज इन द बुक, जैसे मैं अभी बता रहा था, तो आपको उसको डायलॉग करना है, मे आई कम इन सर, फिर सर के पास आप जाएंगे, सर यस कम इन, आप फिर सर को ये सारी कहानी जो है वो आप कहेंगे, ठीक है। तो ये फिर से वही रिपीट हुआ है इसमें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इनटू द डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद देखिए, अब ये हो गया, अब राइटिंग स्किल्स में ये है प्रिंसिपल के साथ पूरी की गई बात, ठीक है, मे आई कम इन सर, यस कम इन, तो उसके बाद ये सारी बातचीत जो है इस पे ऊपर डिपेंड है। डिड यू, यस सर आई आस्क्ड एवरीवन बट नन न्यू अबाउट दैट, ठीक है, चोरी करने के बाद किसी को पता नहीं होता। देखिए, अब यह है पिक्चर, पिक्चर में से क्वेश्चन जो है आपको निकालना बड़ा आसान है, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से पता होने चाहिए, द हेयर एंड द टर्टराइज। तो ये कहानी जो है मैंने आपको पहले भी बताई थी, इन दो के बारे में कहानी जो है आपको प्लॉट करनी है, या तो आपको हिंट्स दे रखे होंगे या तो पिक्चर दे रखा होगा, दो में से एक। और उसके बाद है मैसेज, ऑब्वियसली मैसेज मैंने आपको बता दिया किस तरह से लिखना है, और इस मैसेज को, उसके बाद एक मेल है, और मेल के लिए आपको फ्रेंड को मेल, आस्किंग हिम टू अटेंड द मीटिंग एट 5 PM टुमारो, तो आप इसे मेल कुछ यू कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू रिमिट योर फाइन, यानी कि जिसे हम कहते हैं जुर्माना माफ करने के लिए एप्लीकेशन या दरख्वास्त लिखना, वो आपको इंग्लिश में लिखनी है। आपको मैंने बता दिया है, अपना नाम मेंशन नहीं करोगे, XYZ के टर्म्स में लिखोगे। लेटर टू द पुलिस ऑफिसर फॉर थेफ्ट ऑफ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल थेफ्ट के लिए पुलिस ऑफिसर को, द पुलिस ऑफिसर एक्सचेंज रोड जम्मू, या आप लिख सकते हैं बरजला बागा श्रीनगर, जो भी आपकी मर्जी होगी, जिस भी स्टेशन को आप नजदीक पाते हैं अपने, तो उसके हिसाब से आप उसके मैसेज लिख सकते हैं, और उसी उसमें कुछ चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, जैसे बाइक का नंबर, कब चोरी हुई, किस जगह से चोरी हुई, एंड ऑल दैट, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद रिपोर्ट लिखना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, एक क्या है, यू आर आयशा आर्डर, कोई भी मतलब आप सोच सकते हो, कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द कश्मीर टाइम्स, राइट अ रिपोर्ट इन 120 वर्ड्स ऑन द पब्लिकेशन ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द अरेस्ट ऑफ अ गैंग ऑफ स्कूटर कार लिफ्टर्स ऑपरेटिंग इन यूर सिटी, ये आपको बताना पड़ेगा। तो कार लिफ्टर्स अरेस्टेड, आदिल स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट TKT, यानी कि टाइम्स ऑफ कश्मीर, ये जो भी पेपर था। दूसरा, इस तरह से आपको रिपोर्ट है फेयरवेल फंक्शन के लिए लिखनी है, तो आप इस तरह से उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी में आपके फिर से क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ द 3 out of 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द टंग डू गुड और बैड टू अदर्स, हमारी जबान से ये सारी चीजें तो होती हैं, इन हूज रीजन डिड पोलो कैम टू लद्दाख एंड हाउ, वट टू रीजन डिड एंथोनी गिव टू शो दैट was not images, Caesar was not images. तो ये सिंपल आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। हाउ इज सोइल अफेक्टेड बाय द पॉलीथीन, पॉलीथीन में से क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। What experiences popped into the teacher's mind after Nora's learning problem, नोरा के ऊपर कहानी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 पोम्स में से लिया गया है। तो देखिए, पोम्स में से यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये कुछ लाइन्स ले रही है, नेचर हार्ड फैशन यू, तो उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। What does the poem Summer and the Winter end? The poem ends in a pessimistic note due to the plight of the homeless beggar. So, ये सारी चीजें आप ध्यान से, who can be the brave man to do? ये सारी चीजें, what is the rhyming scheme? AB and AB. Is it right? AB and AB is the rhyming scheme of this poem. Let's see. Okay. So, affection and instead. ठीक है, तो आप इस पूरी poem का आपको लिखना पड़ेगा exactly. तो यहाँ पे 4 lines से हम guess नहीं कर सकते, क्योंकि इन 4 lines में तो कोई राइमिंग स्कीम फॉलो हो ही नहीं रही है। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ, नेचर टू का अलग साउंड है, अफेक्शन का अलग साउंड है, चलिए इसे हम ए मानते हैं, तो यहाँ पे एंड का अलग साउंड है, एनस्टेड का अलग साउंड है, तो इसके हिसाब से तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ, अगर ओवरऑल पोइम की हम बात करें तो आप पोइम के हिसाब से इसके साउंड्स को चेक करके उसके बाद इसकी राइमिंग स्कीम जो है लिखेंगे। व्हाट कैन द ब्रेव मैन डू, तो ये सारी चीजें हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन है जो आपके पास आते हैं शॉर्ट स्टोरी और प्ले से। मेक श्योर दैट कि आप शॉर्ट स्टोरी और प्ले के सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चंस अच्छे से याद करके जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, डिस्कस द करेक्टर स्केच ऑफ राइटर्स वाइफ, दूसरी बात है डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ रुस्तम, रुस्तम का सौरभ का करेक्टर स्केच, रुस्तम का करेक्टर स्केच जो है ये आपके पास बेसिकली आ सकता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं अब
इस सेट नंबर 3 के कंप्लीट सॉल्यूशंस के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि तीन सेट्स मैंने आपको बता दिया, अब एक लास्ट सेट हम आपको बताएंगे, और मेक श्योर कि आप उस सेट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेशन और कुछ और इम्पोर्टेंट क्लूज जो आपके काम आएंगे कल यानी कि 2 तारीख के पेपर में। तो चलिए मिलते हैं इस पेपर में, और इस पेपर की बात करते हैं, ये लास्ट सेट है। फिर से आप देखिए, रीडिंग द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम अ पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। फिर से सेम वही कहानी कि आपको एक पोएम दी जाएगी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ इट ड्रॉप्ड। ये लाइंस आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। नेम द पोएम, इस पोएम चली गई है फ्रॉम योर वीक द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, रिंकल्स पेयर मर्सी, ऑब्वियसली मर्सी से, मर्सी फॉल्स फ्रॉम डैश डैश रैन हेवन मोनार्क नन ऑफ द अबो। द वर्ड जेंटल इज यूज एज नाउन एडवर्ब वर्ब नाउन। उसके बाद आप, व्हेन डज अर्थ अर्थली पावर लुक लाइक गॉड्स इट्स, ये सारी लाइंस जो हैं, whether it is a simile or metaphor, देखो it dropped as the gentle rain, as का इस्तेमाल किया गया है ना, मैंने कल भी आपको एक सेट में बताया था, as तो obviously simile होगी। देखिए mercy है, none of the above, the earthly power looks like gods when king do justice having mercy for others, the gentleman from the behavior is a simile basically। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि पैराग्राफ के लिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स हम करते हैं। देखिए, व्हाट वेयर द एक्सप्लोरर्स ट्राइंग टू डू इन द अमेजन फॉरेस्ट। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, इन अ बिग फॉरेस्ट कॉल्ड द अमेजन सम एक्सप्लोरर्स, ये देखिए, वेंट ऑन अ वेरी कूल ट्रिप, दे वॉन्टेड टू फाइंड आउट इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द डीप पार्ट ऑफ द जंगल, यानी कि वो इंटरेस्टिंग थिंग्स जो है वो फाइंड करने वाले थे। देखिए, फाइंडिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स, बहुत सिंपल, आपने पहले लाइन पढ़ी फिर ढूंढा। What did the explorers discover in the middle of the forest? अब देखिए, middle of the forest आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, in the middle of all the green trees, the explorers found really old stones. देखिए, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर old stones with stories. तो ये समझ सकते हैं आप। How did the air in the forest smell? तो आप इससे भी obviously जब आप इससे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, like the ground and flowers, ठीक है? Why do you think the explorers were happy to find the old stones in the jungle? तो आप इसका आंसर है, explorers were happy to find the old stones because they thought the stones had interesting stories from the long time ago. Imagine you were in the explorers, how would you feel hearing strange sounds from unknown animals? तो ये किसी के लिए scary भी हो सकता है, किसी के लिए fearful भी हो सकता है, किसी के लिए interesting भी हो सकता है और exciting भी हो सकता है। तो किसी के लिए, जैसे इसने एक आंसर लिखा है, hearing strange sounds from unknown animals would make me feel excited and curious, wondering about the different creatures in the jungle. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया था, पिक्चर, डू नॉट फॉरगेट टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ फर्स्ट, डॉटर्स डे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर एग्जैक्टली एक पिक्चर आपको दिया गया, वुमेन्स डे के ऊपर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट अबाउट? ठीक है, वुमेन के बारे में बताया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम कहेंगे, तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात है। डॉटर्स डे गिव्स द मैसेज ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। देखिए इसमें एग्जैक्टली अगर आप ध्यान रखेंगे, इसमें कहीं पे भी आपको ये मेंशन नहीं किया है, तो आपको इन थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि वुमेन्स डे वगैरह जो है कब मनाया जाता है। तो ये बेसिकली 8 मार्च को मनाया जाता है, परसों ही था, ठीक है। वुमेन फील एम्पावर्ड व्हेन दे डू ऑल, यूज देयर पावर टू एम्पावर, ठीक है, यूज देयर पावर टू बिलिटल अदर्स व्हेन इलेक्शंस एंड रूल द कंट्री, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेकिन इसमें से ध्यान रखोगे, यूज देयर पावर टू एम्पावर अदर्स, तभी वो ज्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई इज द मदर्स डे सेलिब्रेटेड, मदर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू ऑनर मदर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताकि मदर्स ऑफ द वर्ल्ड को ऑनर किया जा सके, उन्हें इज्जत दी जा सके। उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ आता है, यू कैन टेक द आंसर एंड स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एज वेल। व्हेन हामिद केम, कब आया? इन, जब वो अंदर आया, ही फाउंड तरुण पुटिंग द फिनिशिंग टच टू वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर डैश डैश, पिक्चर किसकी? ऑफ अ बैगर मैन, ठीक है। उसके बाद द बैगर हिमसेल्फ was standing dash dash standing on a raised platform, अगर raised platform है तो obviously वो उसके ऊपर खड़ा होगा, ठीक है, तो आन लगेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सूटेबल वर्ड्स का अप्लाई करना है, कोई ज्यादा ये नहीं है। तो ये कल के पेपर में भी था, जो पहले सेट पेपर 1 मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें भी ये सारा था। तो प्लीज मेक श्योर दैट आप इसे अच्छे से याद करके जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज इन एडिटेड टर्म्स ऑफ टेंसेस पंक्चुएशन एंड अप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स वगैरह के थ्रू आपको करना है। यस्टरडे आई गो टू बाजार, यस्टरडे की बात आ रही है, आई वेंट टू बाजार, ये मैंने कल भी समझाया था एक पेपर के अंदर, तो ये सेम वही रिपीट हुआ है, ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद गिवन बिलो इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अजय एंड हिज फ्रेंड अंकित, कंप्लीट द डायलॉग इन एनी स्टेबल। देखो अजय और उसके फ्रेंड के बीच में एक डायलॉग राइटिंग है,
हेलो इज दिस 9419 यानी कि ये कौन है अंकित, यस आई एम हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज का आंसर जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने आंसर ऑलरेडी कर रखा है, yesterday went, met, had, was, asked, said, bought and thanked, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये वाला है कंप्लीट करके है, तो आप देख लीजिए, whom do you want to call to, where are you calling from, तो आपको उसके हिसाब से देखिए, stay there, I am coming, dash dash, I am coming to your home, I am coming to your place, ये सारी चीजें हैं, will you take to reach me। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये है strength is union जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, the father and his four sons, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड फादर है, लेकिन ये बेसिकली कहानी का असल टाइटल जो है वो है यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। आप इसे ये टाइटल भी दे सकते हो, यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये वही गट्ठे वाली कहानी है कि बाप अपने बेटों को कैसे समझाता है कि अगर आप एक साथ रहेंगे, एक जगह जुड़ के रहेंगे, तो आप अपनी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे फिर उन्हें गट्ठे मंगाने के लिए बोलता है, तो ये कहानी आप एग्जैक्टली इन वर्ड्स में अपने पास याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ये मैंने आपको उर्दू में भी बताया। उसके बाद एक मैसेज राइटिंग है जो कि आपके किसी फ्रेंड ने, यू वेंट टू योर फ्रेंड्स रूम टू रिटर्न द बुक विच यू हैड बोरोड, आप उसके घर जाते हैं उसे बुक रहने के लिए, बट ही वॉज नॉट देयर, ये क्लास 10 में भी आया था, तो इस चीज का ध्यान रखो, दैट यू आर रिटर्निंग हिज बुक एंड दैट यू थॉट एंजॉय रीडिंग इट, और आपको थैंक भी करना है कि भाई ये बुक मेरे लिए बहुत अच्छी थी और मैंने इस बुक से बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी सीखी। तो आप उसे मैसेज कुछ इस तरह लिखेंगे, ऊपर मैसेज, फिर डेट, फिर टाइमिंग इसकी तरफ से है, डियर किसको लिख रहे हैं हम, द बुक दैट आई हैड बोरोड फ्रॉम यू वाज हैज बीन केप्ट इन योर रूम, उसे मैंने रख दिया है तुम्हारे रूम में, यू वर नॉट इन द रूम, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली एंजॉयड रीडिंग इट, संजय की तरफ से। उसके बाद ईमेल, ईमेल का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चेंज इन द डेट ऑफ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, आपको लिखना है उसको एक ईमेल लिखना है, फिर किसको आप लिख रहे हैं और उसमें आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट में मैरिज सेरेमनी ऑफ सिस्टर, ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन द डेट ऑफ मैरिज सेरेमनी, ताकि उसे समझ भी आ जाए कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो आप उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिखनी है एक लेटर, गिवन सिचुएशन पे, यू आर रियाज, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ लेटर टू मिस्टर एशियन, स्पोर्ट्स रेजिडेंसी रोड श्रीनगर, आस्किंग देम टू रिप्लेस द डिफिकल्ट गुड्स, ठीक है। तो ये आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं, और उसके बाद बहुत सिंपल सी चीजें हैं, और अपने आप क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो अच्छे से देख सकते हैं, 11-12 क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर दैट कि आप इसे अच्छे से करके जाते हैं, एंड मेक श्योर यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू ना हो जाए, ठीक है। अब इन तीन सेट पेपर्स के बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, किसी पार्टिकुलर सेक्शन में आपको इशू लगता है कि सर इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए हमें, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट्स नीचे लिख सकते हैं, ताकि हम इसे रिवाइज करा सके, ठीक है। जो सारे सिंपल पेपर्स या गेस्ट पेपर्स जो मैंने डिस्कस किए, इनके ही तरीके का एक पेपर जो है आपको एग्जाम में मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे या सेम ये वाले भी रिपीट हो सकते हैं एग्जाम्स में, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से याद करके जाते हैं। और जेके बोस फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए, और बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए और धमाल मचा के आइए एग्जाम में, और सामने जो भी सिचुएशंस आती हैं, चाहे टफ हो चाहे आसान हो, लड़ने वाला चाहिए, और आप में वो जुरत है और आप में वो कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हैं, बस अपने आप पे भरोसा रखिए। और जिस दिन आप इस भरोसे को अच्छी तरीके से रखते हैं और अपने आप पे बिलीव करते हैं, तो आप डेफिनेटली पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, अप टिल टेक केयर गाइस, एंड प्लीज डू अपडेट अस अबाउट एनीथिंग यू आर मिसिंग, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू।